हे गाइस, तो जैसे कि आपको पता है CHSL का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से। तो गाइस, अगर आप इसके लिए तैयार है तो जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आपको खुद अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आप इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मैं आपको उसके लिए 4 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है x - y = 4, xy = 45, x³ - y³ बताना है। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो एक्स की वैल्यू अगर आप 9 मान लेते हैं और वाई की वैल्यू अगर आप 5 मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। इसका आंसर आ जाएगा एक्स का क्यूब यानी 9 का क्यूब - 5 का क्यूब। ठीक है गाइस, 9 का क्यूब होता है 729 और 5 का क्यूब होता है 125। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 604। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन ईजी था और इसका आपको 4 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर देना है जिससे कि आप इजीली सिलेक्शन ले सकें। अगला क्वेश्चन है x²(2a)(y)(2b)(z)(2c) ≤ (x²)(yz)(xyz)≠0 है। तो इसको भी आपको जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो गाइस, आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, इस क्वेश्चन टाइम अप हो गया है, आपको उसका आंसर बताना था। तो देखिए गाइस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक्स वाई जेड और ए बी सी सारी वैल्यू इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यहीं खत्म हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 बोला है ना, तो 0 से 1 बड़ी वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं, सारी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका हो जाएगा 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 यानी कि 3/1 आंसर इसका आ जाएगा 3। ठीक है, इस 5 सेकंड का क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी टेक करके आपको निकल लें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x + y + z = 8, y + z = 13, z + x = 17। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ इस बार में। ठीक है, इस टाइम अप होता है इस क्वेश्चन को। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे एक्स भी 2 बार है, वाई भी 2 बार है, जेड भी 2 बार है, यानी कि जो आप सब इनको ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 17, 13 और 8 यानी कि 38। और इन सबको ऐड करेंगे तो यानी कि ये बन जाएगा 2x + 2y + 2z। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे = 38। तो x + yz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + yz की वैल्यू आ जाएगी, अगर 2 हट जाएगा तो यहाँ से = 38 हट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 19, इसका आंसर आ जाएगा। x + y + z कितना आ गया आपका 19 आ गया। ठीक है गाइज, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 19। अब यहाँ से काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, x + y दिया 8 और z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, z की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 11, यहाँ से yz दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी x की वैल्यू। इसको सबको हटा देते हैं एक बार, 19 थी तो z आ गया कितना 11, एक्स आ गया आपका दूसरी इक्वेशन से 6 और वाई आ गया आपका तीसरी इक्वेशन से 2। ठीक है, तो ये सब 19 बन रहे हैं और इनको फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तीनों वैल्यूज़, आपको आंसर मिल जाएगा यानी कि 6² / 11 × 2, तो ये बन जाएगा 36। ठीक है, 36 बन गया, तो 2 से काट दिया 18, आंसर कितना आ गया 18/11। ठीक है गाइज, तो काफ़ी क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन थे, तो आपको इनका आंसर्स पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में गाइज इतने रखते हैं। ठीक है, बाकी अलजेबरा के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि आपको ऐसे ही जल्द करने को सीखने को मिलेंगे और आप एग्जाम में से जल्दी कर पाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।